हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज एंड ऑनलाइन क्लासेज के इस वीडियो में हम आपको दो वर्णों के अमात्रिक शब्दों वाले वाक्यों का अभ्यास करवाएंगे। दो जो वर्ण हैं ये वर्ण हमारे अमात्रिक हैं। अब हम आपको अमात्रिक शब्दों वाले वाक्यों का अभ्यास, मतलब वाक्य कैसे बन सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, न और ल, न ल, न और ल क्या हो गया, न ल, प और पर, चल कर जग भर। शाबाश बच्चों, बिल्कुल इजी आप पढ़ सकते हो। पहले न पढ़ना है, फिर ल पढ़ना है, फिर दोनों को साथ में पढ़ना है। नल, न पढ़ो फिर ल पढ़ो, दोनों को साथ में क्या होगा, नल। फिर प और र, पर, न ल पर। फिर च और ल, च ल। फिर क और र, क र। फिर ज और ग, ज ग। फिर भ और र, भर। नल पर चल कर जग भर, नल पर चल कर जग भर, नल पर चलकर जग भर। ओके, तो आप लिखिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम न लिखते हैं, ओके। फिर हम लिखेंगे ल, तो क्या हो गया, नल। फिर आपको लिखना है प, प लिखिए, फिर आपको क्या लिखना है, र, नल पर। फिर आपको लिखना है छ, और फिर लिखना है ल। चल, नल पर चल। कहाँ पे चल बच्चों, नल पर चल, बिल्कुल इजी वाक्य है, नल पर चल। फिर लिखो क, और नल पर चल कर, नल पर चल कर जग भर। फिर आपको क्या लिखना है, ज, और ग, जग। और फिर लिखना है ब, और र, भर। नल पर चलकर क्या भरना है, जल। किस में भरना है, जग में। नल पर चलकर जग भर, नल पर चलकर क्या भरना है बच्चों, जग। तो हमने क्या लिखा, नल पर चलकर जग भर, नल पर चलकर जग भर। ओके बच्चों, लिखिए अपनी कॉपी में, राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितनी राइटिंग अच्छी होगी उतनी आपकी कॉपी में लिखावट सुंदर दिखेगी, कॉपी अच्छी दिखेगी। आराम से लिखना है, पूरा एक पेज करना है। नल पर चलकर जग भर, इसका आपको पूरा एक पेज करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पूरा वन पेज। ओके, लिखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सुलेख वाक्य है, नल पर चल कर जग भर। इसको आपको पूरा एक पेज अपनी कॉपी में करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके
इसकी जेरोक्स निकाल के भी इस पे काम कर सकते हो। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी जेरोक्स निकाल के भी काम कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, लिखिए अपनी कॉपी में, अच्छी तरह से लिखिए और लर्न कीजिए। राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अच्छी तरह से लिखिए, राइटिंग बिल्कुल अच्छी। और नल पर चलकर जग भर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आपको लिखना है, नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, यस अब उठ, यस अब उठ कर पत्र पढ़। तो सबसे पहले यह लिखना है, लिखिए, यश, फिर लिखना है अब, यश अब उठ, उठ फिर लिखना है कर, क और कर पत्र, यश उठकर पत्र पढ़। इसका आपको पूरा पेज अपनी कॉपी में करना है, पत्र प और ढ। ओके, ये भी आपके बिना मात्रा वाला वाक्य हैं। यस अब उठकर पत्र पढ़, इसका पूरा आपको पेज करना है, बिकॉज जितना आप पेज अच्छी तरह से करोगे आपकी राइटिंग उतनी ही इम्प्रूव होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके बच्चों, ये आपका जो पेज है, ये पेज आपका शुलेख वर्क है, इसमें आपको पूरा वर्क अपनी कॉपी में करना है। यस अब उठकर पत्र पढ़, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जेरोक्स निकाल के भी इसमें काम कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए वन लाइन, फिर उसका पूरा पेज कीजिए, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी लगेगी और इम्प्रूव हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने कितने वाक्य बनाए, एक वन फर्स्ट हमारा वाक्य है नल पर चलकर जग भर, ये भी बिना मात्रा वाला है, नल पर चल कर जग भर, इसमें कोई मात्रा नहीं है। दूसरा हमने बनाया यस अब उठकर पत्र पर, अरे यस अब उठ जाओ और पत्र पढ़ो, तो ये भी हमारा बिना मात्रा वाला वाक्य है। दोनों हम आपको अमात्रिक शब्दों का ज्ञान करवाया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों पेज जो हैं आप अपनी कॉपी में जरूर लिखे। इससे पहले हमने आपको जो शब्द बनाए वो भी आपको पढ़ना है, जैसे यज्ञ कैसे लिखा गया, नल कैसे लिखा गया, ऐनक में ए कैसे जोड़ा गया, औरत में ओ कैसे जोड़ा गया, जो मैंने आपको बताए थे वीडियो में, वो सारे आपको वापस रिविजन तौर पर वीडियो को लाइक करके देखने, जितने आप रिवाइज करोगे उतने आपको अच्छा रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लिखिए अपनी कॉपी में, ये नल पर चलकर जग भर, इसको अपनी कॉपी में पूरा पेज पे करना है। ओके, और यस उठकर अब पत्र पढ़, इसका भी एक पेज करना है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। ओके, और फल कैसे लिखा जाता है, यज्ञ कैसे, रथ कैसे, दस कैसे, पत्र, इसका भी आपने एक पेज किया होगा और इसको अच्छी तरह से राइटिंग में लिख के इसको लर्न करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू कीजिए।